हेलो नमस्कार आपण समस्तंकु नमस्कार करूछी एंड वेलकम करूछी मो चैनल आयुष मोटे किचन को मु आपणक पई आज गोटे बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग रेसिपी नहीं आसी देखी पारुछंती मु एटा कलरा नहीं जाइछी कम से कम 250 250 ग्राम हम ये कलरा रे मु आपणक कलरा फ्राई देसी स्टाइल रे करबा सहित कलरा रे आपण केमती तरकारी बने पारिबे सेही रेसिपी गाँ रेसीपी बुढ़ी बाई रेसीपी बहुत पुराणा कालर रेसीपी सही रेसी स्टाइल में आपण कलरार पूरा फ्राई नहीं आस कलरा फ्राई आम करवा एंड से ही फ्राइड आम कमी तरकारी बनवा बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग एंड आपणकर पिता भी लगभग जो मैंने कलरा खाऊना कि खावाई पसंद करूना से ही कलरारे ही मुझण नहीं आस कलरा को बर्तमान एवं आम का देखूँ एमती ही आपड़ पूरा कलरा को पूरा टू पीस करदे पूरा मझीर एमती काटे काटि सारापर देखते पूरा आपड़ मिडिलु जोटा अच्छे काट सारापर एमती ही आपड़ काटे काटि सारापर आम जो सब मंजी से भितर अच्छी एगुड़ा सब आप हाथ साहय पूरा काढ़ीदे या काढ़ा निहाती जरूरी आप देखु काढ़ी पूरा यही सब यहीटा को भी एमती आपड़ी सब काढ़ी ने सब काढ़ीदे निहाती जरूरी कहीं भितर आम कि मसला दबा जोटा कि आम पिता लगे एंड फ्राई होगापर तो आम बिल्कुल भी पिता लगे तो ये सब को देखते मुझे काढ़ी नहीं आसली एंड एमती ही मुझे सब कु बाहर कर दे देखते एमती काटि सारापर आप कौन करेंगे पुणी ताको छोट छोट पीस बनईने एमती छोट छोट पीस करे कहीं आम ये जल्दी सीझे एंड जल्दी फ्राई हे आपणकर एमती ही आपड़ सबुटक पीस पीस करे देखु एमती बास छोट छोट पीस करे या फ्राई कर बहुत सहज हम बहुत भल टेस्ट लगे आपणकर एमती ही आपण को सबुटक काटि नबार अच्छे एवं कौन करोईन पानी बर्तमान या डालीद डालीदे आम जिते सब थी परिष्कार परिष्कार भाव या धोई ना एवं धोईकी गोटे प्लेट को काढ़ी नहीं आसवा एबे बर्तमान प्लेट को काढ़ी नहीं आसे मन रखते यही उपाय जी आप करेंगे आपन को कलरा बिल्कुल भी पिता लगे एंड तरकारी बहुत ही बढ़िया यूनिक स्टाइल रे कलरा भजा आप कलरा चिप्स खाइबे कि आम कलरा आज तरकारी बनवा ता भी पूरा देसी स्टाइल रे बुढ़ी माँ स्टाइल रे पुराणा कालिया स्टाइल रे बहुत ही बढ़िया स्टाइल रे तेज चलतु यार प्रोसेस आम केमी बनवा देखी ना हल्दी बर्तमान जीक दरकार हल्दी नहीं जाऊँगी मुझ टीस्पून हल्दी टेस्ट अनुसार लंका नहीं जीवे जीक आपण घरे खाती मु हाफ टी स्पून लंका नहीं जाइए आपणकर दरकार लंका से अनुसार आप लंका नहीं जीवे तापर टेस्ट अनुसार आम लुण देदे जीक आपण टेस्ट अनुसार लुण नहीं जीवे मु 1 टी स्पून नमक नहीं कौन करवा आम बेसन आड करवा बेसन एटा बर्तमान 2 टी स्पून नहीं जीवे 2 टी स्पून 2 चामच नहीं गले आमर एटा बराबर हो कोट गोटे बनवा आम बर्तमान से जदि आपन को बेसन आउ टे दरकार हे तो आपड़ निश्चय आड करें देखु केटिकी आम कोटा को बनवा बर्तमान एमती ही आपड़ या भल भाव पूरा गोलने वीडियो को आपण प्रथम रु पूरा लास्ट पर्यंत देखु ताकि आपण भल भाव बुझीपर एंड जापर क्वांटिटी रो प्रॉब्लम केबे आपण को हबनी आमर रोषे कला बेले जो माने प्रथमे प्रथमे रोषे करंती तांको सब बेले क्वांटिटी रो प्रॉब्लम थाए सेथि पई तांकर रोषेटा टिके भल बने ना तो देखंतु कोट आमर वर्तमान हे गलानी एमि एतिक रे ही आपण को कोट बनेबार अछि एतिकरे ही आपण याकु नै जिवे जदि आपण एतिकरे बनी बनी देन आपण आउ टिके आड करि परिबे एबे गोळै सरिला पर आमे कोन करबे ए कलरा को आमे टिके रेस्ट करिनबा 2 मिनिट पर्यंत ताकि एटा भलो भाबरे पूरा से बेसनटा पूरा लागि सेट हे जिवो सिठी पई आमे याकु 2 मिनिट याकु टिके रेस्ट करिनबा से भितर आमे तेल गरम करिनबा रेस्ट करिया पई एबे टिके 2 मिनिट पर्यंत रखिनबा याकु चुली रे रोसे करिबा एबे वर्तमान कड़े बसे ने कड़े बसापर तेल एवं गरम हाँपाई रखीदे फ्राई हाँपाई फ्राई करने आम तेल को गरम कर नवा बर्तमान तेल गरम हो गला एवं कौन करवा आम ये पीस गोटे गोटे सब आम येदबा धीरे से आपड़ देते तेल बहुत गरम अच्छी तो आप आराम से पूरा धीरे देते कहीं तेल बहुत गरम अच्छे तो जदि आपण पाखक मिस्टेक भी लगे तो बहुत ही आपड़ जानते पोड़े केमी लगे तो आपड़ सब रोसे कला बेले सवधान निश्चय रखु
ମୁଁ ଏଇ ଅଏଲ୍ଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଅଏଲ୍ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ୟାକୁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଏମିତି ରଖିନେବା, ତାକି ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏବେ ବି ଏବେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ୟାକୁ କିଛି ବି ଲଗେଇବେନି ହାତ ବିଲକୁଲ ବି, ଏମିତି ହିଁ ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନେବା। ଅଧିକ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ନୁହଁ, ମିଡ଼ିଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ଆପଣ କରିବେ। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଉ ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି ଆରାମସେ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଥାଏ, ପିତା ଆପଣଙ୍କର ତର ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଲରାରେ ଟୁ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଥିରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲରା ଚିପ୍ସ, ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ କଲରା ଚିପ୍ସ ବନିଯିବ ପୁରା ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ନୂଆ ପ୍ରକାରର, ଦେନ୍ ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କଲରା ତରକାରୀ କେମିତି ବନେଇବେ, ତା ବି ବିଲକୁଲ ପିତା ଲାଗିବନି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା ଗପିବା ଭିତରେ ଆମର ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇଆସିଲାଣି। କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିବେ। ସବୁତିକକୁ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଦେଇଦେବେ, ଧୀରେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣ ଧୀରେ ସେ ଦେବେ ସବୁତିକକୁ, ଯେତିକି ଆପଣ ବନେଇବେ ସେଇଠିକୁ ଆପଣ ସବୁତିକ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ପ୍ରଥମ ଥରର ମୁଁ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି, ସବୁତିକ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି ବିଲକୁଲ ବି, ୟାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଲାଗିଯିବ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଇଜିରେ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆସି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗିବନି, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି କଲରା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିକି ଖାଇବେ, ମମି କଲରା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। କଲରା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କଲରାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବାଣୁ ଯାହା ବି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ବଡି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଏ ସବୁତିକ କଲରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି, କେତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଚିପ୍ସି ଭଳିଆ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ବାପା କୁହନ୍ତି କି ଏଇ କଲରାରେ ନା ଆପଣଙ୍କର 60ଟା ରୋଗ ପଳାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, କଲରା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଳାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି 60ଟା ରୋଗ, ପୁରୁଣା କାଳରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କଲରା ଖାଇଲେ ଆମର 60ଟା ରୋଗ ପଳାଏ, ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଏଇ କଲରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତ କଲରା ବଟା ଏବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ୟାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଯଦି ଖାଇବେ କି ଖାଇବା ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ ଅପ୍ସନାଲି, ତ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ୟା ସହିତ ଟିକେ ବାସ୍ ରୁଚି ମସଲା ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଏମିତି କରିକି ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ରେ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଟେଷ୍ଟଟା ରହିଯାଇଛି ଏଠି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ, ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଚିପ୍ସକୁ ନେଇକି କଲରାରେ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଲରା ତରକାରୀ କେମିତି ବନେଇବା ଆମେ ଦେଖିବା। ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ବଟା ନେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଦରଦରାସା ପେଷ୍ଟ, ମୁଁ ସୋରିଷକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି। 1 teaspoon ସୋରିଷକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି ଏମିତି ଦରଦରାସା। ତାପରେ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଏକାଠି ବନେଇ ନେଇଛି। ଟିକେ ଦରଦରାସା, ଦରଦରାସା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁସ୍ଟା ବନେଇବା ସେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଢ଼ ହବ। ଦେନ୍ ତା ପାଇଁ ଟମାଟର ବି ନେଇଯାଇଛି, 2 ଟମାଟର ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଆପଣ ଏମିତି କାଟି ନେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ମସଲା ଆପଣଙ୍କର ବଟା ମସଲା ରହିଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖା ମସଲା ରହିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଦେଖେଇବି। ଉଇଥ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ସାମଗ୍ରୀ ୟୁଜ୍ କରିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣ ସବୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ କେବଳ ଆମେ ରୋଷେଇ କେମିତି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପୁରା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଦେଖିନେବା। କଢ଼େଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 3 teaspoon ନେଇଯାଇଛି, 3 tablespoon ଅଏଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ଟିକେ ରଖିନେବା ସୋରିଷ ଆପଣ ପୁରା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ପିଆଜ ଅଛି ପିଆଜକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିନେବା। କେବଳ ତା'ର ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଧିକ ଭାଜିବେନି, କେବଳ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଆଜ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଯେଉଁ ଆମେ 3 ଯାକ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଏଇଠି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା।
एबे हमर फ्राई हे आसलानी एबे सोरिसा बट्टा को दे देबा सोरिसा बट्टा को दे सारेला परे अल्प टिके जस्ट पानी दे देबे ताकि ना मसला टे टिके पोड़ी जीवनी सेति पई अपन अल्प टिके पानी दे देबे अल्प टिके पानी देले अपनकर मसलाटा सिझी जीवो आउ अपन सेटा फ्राई भी मध्ये हे जीवो त टिके जस्ट पानी दे देबे अपन एबे मसला रे हल्दी टिके दे देबा हल्दी हाफ टी स्पून टिके जस्ट हल्दी ले जिवे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर तापर भल भाबरे मिसेई नबा मसला को एमे लंग धनिया पाउडर ले जिवा हाफ टी स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून जीरा पाउडर मु आपन को पूरा डिस्क्रिप्शन ने दे देबी कोन कोन सामग्री मु यूज करै छी एबे लंका नै जिबी लंका जति के आपन कर दरकार आपन से अनुसार लंका ले परिबे एबे हमें कोन करबा अल्प टिके पोणी पानी दे दबा दे सारी की एक पोणी थरे को हमें फ्राई करै नबा से फ्राई हबा भीतर हमें टमाटर को मध्य डाली दबा ताकि टमाटर टा भी हमरा से मसला भीतर पूरा सिझी जीव से दुईटा टमाटर जो काटी थी से टमाटर को देदेब दे सारापर या कि समय बस टी रखी ना ताकि टमाटर टा पूरा सिझी जीव ये देखो मसला आमर केमी पूरा हो टमाटर को आपड़ एमती जस्ट टिके चलते ने टमाटर टा पूरा भल भाव सिझी जीव पूरा मसला सहित भिजिज मसला एवं आम देखो पूरा फ्राई हो गला कम्प्लीटली फ्राई हो गला बहुत ही बढ़िया से देखिपी एबे हमें पानी ऐड करिबा हमर से जो मसला पानी थिला जो हमें मसला को पेस्ट करथिलु सेई पानी ही यूज करिछु अपन प्लेन वाटर मध्ये यूज करि परिबे एबे पानी दे देबा जति के अपन जूस दरकार सेई अनुसार अपन पानी नै जिवे नॉर्मली अधिक जूस अपन बनेबेनी टिके याको टिके गाढ रखिले जूस ता अपन को तरकारीटा भल लागिबो त देखंतु पानी ऐड करिनली कम से कम 2 कप हि जिवो पानी ये देखते आमर ये मसला पूरा मसला और पानी पूरा फुटी आसला जूसटा एवं आम फ्राए करके रखी चिप्स कलरा चिप्स को आम जो कलरा को बनई फ्राए कर बर्तमान एम से देदेबा दे सारापर या भल भाव भिजे नापर आम कौन करवा या टे समय पर्यटन रेस्ट कर रखी ना ये आम कौन करवा लुण आड कर लुण आड करदे आम चिप्स जिते बड़े कलरा दे लुण किंतु आम जूस पाई आ मसला केवल लुण देद लुण दे सारापर या रखी ना रखी ना से बर्तन टी फुटिजी आम फ्राएटा बहुत भल भाव आम झोलटा टी टेस्ट बनब ए देखो हो आसला आम कौन कर गरम मसला टी आड कर गरम मसला आड करें ये बर्तमान हो गला देखिपी आम कलरा तरकारी के बहुत ही बढ़िया देखा आउ ये खावापी बहुत बहुत टेस्ट लगे एवं देखर हो गला के सुंदर देखा देखिपी बहुत ही बढ़िया गोटे प्लेट को काढ़ी नहीं आसमी बर्तमान मुझे देखेनेबी ये के सुंदर बनी एंड खावापी आपन को ये सतरे बहुत ही बढ़िया बास्ना आसूँ एंड खावापी से बढ़िया आपन को टेस्ट लगे आप निश्चय एमती कर खातु ये बर्तमान आम पूरा ये कम्प्लीट हो गला देखते के बहुत ही बढ़िया सुंदर देखा आपट ही करी खातु एंड आम कलरा तरकारी रेसीपी आपन को केमी लगे आप कमेंट रे निश्चय करेंगे निश्चय कहे कलरा तरकारी बनई कि आप निश्चय खातु तरकारी भात सहित बहुत ही बढ़िया लगे आपन को सतरे तेज देखा हाब आउ गोटे रेसीपी सहित आउ गोटे नुआ रेसीपी सहित मुझे देखा करी आउ गोटे नुआ रेसीपी सहित से पर्यटन आपर केयर रखुद एंड आप कमेंट निश्चय कहे आपन को तरकारी कलरा तरकारी रेसीपी केमी लगला तेज देखा हाब आउ गोटे रेसीपी सहित एंड सेयार करेंगे निश्चय कलरा तरकारी बहुत लोक करी खाते कहते कलरारे तो 60 प्रकार रोग भल हो जाती तो आपड़ कलरा सब प्रति विक्रे आप कम से कम वन गोटे थर निश्चय करी खातु तो एबे तो कलरा सीजन ही चली शीत दिन में तेज चलते देखा पुणी एक थोड़ा नमस्कार करुच्ची थैंक यू एंड नमस्कार।